नमस्कार, मैं हूं किंजल और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। मई महीने में साल 2024 का लोकसभा चुनाव लगातार सुर्खियों में बना रहा। इन्हीं सबके बीच जनता को लुभाने के लिए राजनेताओं ने कई तरह के वादे किए और हालांकि इन सबके बीच कई बार गलत दावे और सांप्रदायिक दावे भी किए गए। ऑल्ट न्यूज ने इन जनसभाओं से लेकर रैलियों में और सोशल मीडिया तक अपनी नजर बनाए रखी और इसे लेकर रिपोर्ट्स और फैक्ट चेक आर्टिकल्स पब्लिश किए। आज के इस मंथ एंड वीडियो में हम आपको इन्हीं कुछ चुनिंदा दावों की असलियत दिखाएंगे। ऑल्ट न्यूज ने पाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा से लेकर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में चुनावी भाषण के दौरान सांप्रदायिक बयानबाजी की थी। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। मैं कहने आया हूं, कांग्रेस के शहजादे कहते हैं ये नया ले आए भाई, वो कहते हैं कि आपकी कमाई का एक्सरे करेंगे, मतलब आपका लॉकर में क्या है, आपकी जमीन कितनी है, गहने कितने हैं, सोना कितना, चांदी कितनी, आपके मंगलसूत्र कहाँ है। वो लूट चलाना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं कि आपके पास जो है आपसे लेकर के जिसके पास नहीं है उसको दे दिया जाएगा, मतलब जो वोट जिहाद करेगा उनको दिया जाएगा। भाइयों बहनों, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। सपा कांग्रेस तुष्टीकरण के आगे घुटने टेक चुकी है और मोदी जब इनकी सच्चाई देश को बता रहा है तो वो क्या कह करते हैं। और ये लंबे समय से उनकी इकोसिस्टम है, उनके बेईमानी को अगर आप बेनकाब कर दो, उनकी घोर सांप्रदायिकता को बेनकाब कर दो, उनकी वोट बैंक की राजनीति को बेनकाब कर दो, दिन रात हिंदू मुसलमान करने वाली उनकी सोच को बेनकाब कर दो, तो कहते हैं मोदी हिंदू मुसलमान करता है। अरे मोदी तो बोलना पड़ता है तुम्हारे पापों का ये पूरा इतिहास देश को बताने के लिए। वहीं अमित शाह और योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रास्ते पर चलते हुए ऐसे बयान दे चुके हैं। माँ माटी और मानुष, ये नारे के साथ ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बनी और देखते देखते तुष्टिकरण में माँ माटी और मानुष का नारा मुल्ला मदरसा और माफिया में बदल गया। मुल्लाओं को खुली छूट दी है, मदरसों को हमारा धन दिया जाता है और माफियाओं को गरीब जनता पर लूटमारी करने के लिए खुला छोड़ दिया है। ममता बनर्जी जी, ये सारी चीजें अब आगे नहीं चलेगी। अगर हम लोग रामलला को आप सबके आशीर्वाद से, भारत की जनता के आशीर्वाद से, मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में विराजमान कर सकते हैं तो बड़े बड़े माफिया और दंगाइयों का राम नाम सत्य है कि यात्रा भी निकाल सकते हैं। और ये हुआ है ना, देखो पहले जो बड़े बड़े माफिया वहां पर सत्ता का संचालन करते थे, धमकाते थे, अराजकता फैलाते थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, वहां के विकास के बैरियर बने हुए थे,
हमने बुलडोजर चला करके एक झटके में उनकी सफाई कर दी है। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में सारा अतिक्रमण समाप्त हो गया, अब वहां दंगा का कोई सोचता ही नहीं है। अब तो बहनों और भाइयों उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। वायनाड के एक मंदिर में चिकन शॉप खोले जाने के दावे के साथ ये वीडियो इंटरनेट पर काफी शेयर किया गया था। दोस्तों यह है सीताराम मंदिर और मंदिर के नीचे ही शॉप है जहाँ पे ये चिकन की शॉप है। यहाँ पे जो है मुर्गी का गोश्त सेल किया जाता है और ये है मंदिर चौक और ये है सीताराम मंदिर और चिकन वाले भाई का ये है चिकन शॉप और ऊपर देख सकते हैं कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। साथ में राहुल गांधी पर भी निशाना साधा गया क्योंकि वायनाड उनका संसदीय क्षेत्र है। ऑल्ट न्यूज ने वीडियो को लेकर छानबीन की और पाया कि ये पाकिस्तान के अहमदपुर सियाल में स्थित मंदिर है और अब मंदिर परिसर में कई दुकानें खुल चुकी है क्योंकि उस क्षेत्र में हिंदू आबादी शून्य है। कोरोना महामारी से बचने के लिए कोविशील्ड वैक्सीन बनाई गई थी, जिसे लेकर हाल ही में ये बात सामने आई है कि इससे ब्लड क्लोटिंग का रेड साइड इफेक्ट हो सकता है। इसी के चलते ये वैक्सीन सुर्खियों में आ गई। इसी बीच कांग्रेस से जुड़े नेता और समर्थक ये दावा करने लगे कि कोविशील्ड को लेकर सामने आई रिसर्च के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन सर्टिफिकेट से अपनी तस्वीर हटा ली है। ऐसे ही क्लेम के साथ कई नामी नेताओं ने वैक्सीन सर्टिफिकेट्स की तस्वीरें ट्वीट की है। ऑल्ट न्यूज ने मामले में जांच की और पाया कि वैक्सीन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हाल में चल रहे लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के चलते हटाई गई है, न कि वैक्सीन को लेकर सामने आई बातों के चलते। पहले भी चुनाव आयोग ने असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के चुनाव से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय को कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटाने के लिए कहा था। 1 मई को गुजरात के बनासकांठा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में 272 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली एकमात्र पार्टी है। आ वक्ते कांग्रेस की स्थिति एवी छे तमारा सरकार बनावी होय ने तो ओछा में ओछी 272 सीटों तो एमपी जुए तमारी पासे। अमारी सिवाय भाजप सिवाय आ देश में एक पण पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पण बस वो बोलते लड़ावता नहीं थी, बोलो। देखते ही देखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दावे को लेकर मीडिया ने भी खबरें पब्लिश की जिसमें ANI और जी न्यूज शामिल है। ऑल्ट न्यूज ने मामले में तहकीकात की और पाया कि पीएम मोदी का दावा सरासर बेबुनियाद है। कांग्रेस ने 22 अप्रैल 2024 को ट्वीट करते हुए उम्मीदवारों की लिस्ट सामने रखी थी जिसमें 301 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम शामिल है और बाद में उन्होंने और ज्यादा नामों की घोषणा की थी जिसके बाद कांग्रेस के उम्मीदवारों की संख्या 327 हो गई थी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिन दहाड़े मंच से जनता को लुभाने के लिए झूठा दावा किया। ज्वेलरी शॉप का ये वीडियो कम्युनल एंगल से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। लोग इस हमले को इस्लामिक हमला बता रहे हैं। ऑल्ट न्यूज ने घटना को लेकर छानबीन की और पाया कि कर्नाटक के बेल्लारी में स्थित कल्याण ज्वेलर्स के स्टोर में एयर कंडीशनर में गड़बड़ी की वजह से विस्फोट हुआ था और इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कर्नाटक पुलिस ने भी ट्वीट करते हुए बताया था कि AC के गैस के कारण ये धमाका हुआ था और इसे लेकर जाँच भी जारी है। कुछ दिनों पहले ही चर्चित व्यक्ति भूपेंद्र जोगी पर 2 बदमाशों ने हमला किया जिसके बाद उनका इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले पर खबर पब्लिश करते हुए राइट विंग आउटलेट्स ने इसे ध्रुव राठी से जोड़ दिया।
ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट का टाइटल ये रखा कि ध्रुव राठी पर रील बनाने के बाद किए गए थे ट्रोल, अब चाकू से हुआ हमला, इन्फ्लुएंसर भूपेंद्र जोगी को लगे 37 टाके, हमलावरों का पता नहीं। इस कथित घटना को लेकर मीडिया की रिपोर्ट्स देखने पर हमें मालूम हुआ कि आपसी रंजिश के कारण एक व्यक्ति ने हमलावरों को 50,000 रुपए की सुपारी दी थी। भोपाल पुलिस ने भी ये बात बताते हुए प्रेस रिलीज जारी की थी और इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की बात भी कही गई है। यानी राइट विंग प्रोपोगेंडा आउटलेट ने इस कथित घटना को फर्जी तौर पर ध्रुव राठी से जोड़ दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर ट्वीट करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 17 मई को दावा किया कि राहुल गांधी जनसभा में चीन का संविधान लेकर पहुंचे थे। ऑल्ट न्यूज ने कथित तस्वीर की सच्चाई का पता लगाने के लिए तफ्तीश की और पाया कि राहुल गांधी के हाथ में दिखने वाली किताब भारतीय संविधान की पॉकेट कॉपी है, जिसे ईस्टर्न बुक कंपनी ने पब्लिश किया था। दिल्ली में मिलने वाली मुफ्त बिजली सेवाएं बंद कर दी गई है, ऐसे ही क्लेम के साथ आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी का ये वीडियो काफी शेयर किया गया। आज से दिल्ली के 46 लाख परिवारों की बिजली सब्सिडी रुक जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कल से जो बिजली के बिल दिल्ली के उपभोक्ताओं को मिलेंगे उसमें उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो जिसको जीरो बिल आता था कल से उनको बढ़े हुए बिल मिलने शुरू हो जाएंगे। जिनको 50% छूट मिलती थी उनको भी बढ़े हुए बिल मिलने शुरू हो जाएंगे। बीजेपी नेता और अभिनेता परेश रावल ने भी ये वीडियो को ट्वीट किया और लिखा कि ये तो होना ही था। आतिशी के बयान वाला वीडियो खोजने पर हमें ये वीडियो मिला। आज से दिल्ली के 46 लाख परिवारों की बिजली सब्सिडी रुक जाएगी। जो दिल्ली के लोगों को दिल्ली की चुनी हुई सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बिजली की सब्सिडी देती है, जिसके तहत 200 यूनिट तक बिजली फ्री होती है, 200 से 400 यूनिट तक 50% बिजली का बिल माफ़ होता है, जिसके तहत वकीलों को, किसानों को, 1984 के दंगों के पीड़ितों को बिजली की सब्सिडी दी जाती है, आज से वो सारी बिजली की सब्सिडी रुक जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कल से जो बिजली के बिल दिल्ली के उपभोक्ताओं को मिलेंगे उसमें उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो जिसको ज़ीरो बिल आता था कल से उनको बढ़े हुए बिल मिलने शुरू हो जाएंगे। जिनको 50% छूट मिलती थी उनको भी बढ़े हुए बिल मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी आतिशी के पुराने बयान का क्लिप वीडियो काट छाट कर शेयर किया गया था। आम आदमी पार्टी ने इस मामले में ट्वीट भी किया था और बताया था कि दिल्ली गवर्नमेंट की बिजली सब्सिडी की फाइल एलजी के पास है। हालांकि बाद में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बिजली सब्सिडी की फाइल को मंजूरी दे दी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ये सेल्फी शेयर की जा रही है और दावा किया जा रहा है कि तस्वीर में दीवार पर टंगी फोटो में जीसस यानी यीशु मसीह है। ऑल्ट न्यूज ने तहकीकात करते हुए पाया कि तस्वीर में जो पेंटिंग है उसका नाम मैडोना ओरिफ्लेमा है, जिसे 1932 में निकोलस रॉयरिच ने बनाया था। तस्वीर में दिख रहा ये लाल बिंदुओं वाला ध्वज एक शांति ध्वज है। चुनावी माहौल के बीच अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिलने वाले मैसेजेस की सच्चाई जानने के लिए ऑल्ट न्यूज़ को फॉलो करिए और हमें अपना समर्थन दीजिए।